किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने राजमाता विजया राजे सिंधिया की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार गिराकर पुण्य का काम किया है। हरदा में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि राजमाता सिंधिया ने जनसंघ की स्थापना में तन मन धन समर्पित कर दिया था। उनके प्रयासों से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कमल पटेल ने कहा कि इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। उन्होंने कहा कि राजमाता के प्रयासों से 1967 में कांग्रेस की द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार गिरी और संविद सरकार में गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2020 में उनके पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलंकनाथ कमलनाथ की सरकार गिराकर इतिहास दोहराया है। उनके इस प्रयास से प्रदेश में कुशासन का अंत हुआ है और भाजपा की सरकार बनी है। पटेल ने कहा कि कमलनाथ ने प्रदेश में महिलाओं, युवा, बेरोजगारों, बुजुर्गों, गरीब मजदूर और किसानों से झूठे वादे कर सत्ता हासिल की और प्रदेश में सरकारी खजाने में लूटपाट शुरू कर दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिराकर पुण्य का कार्य किया है। उनके साथ प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। आज केंद्र में हमारी सरकार है, 18 राज्यों में सरकार है और आने वाले समय में पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, पार्षद से लेकर अध्यक्ष तक, विधायक से लेकर सांसद तक, पूरे देश में ऐसी हमारी राजमाता जी, जिनके परिश्रम से तन मन धन और समय देकर उन्होंने जनसंघ को खड़ा किया, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। और एक वाकया है 1967 का, जब द्वारका प्रसाद मिश्र मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, राजमाता जी ने कांग्रेस की सरकार गिराई और संविद सरकार बनाई और गोविंद नारायण सिंह की जनसंघ के राजमाता जी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद फिर इतिहास दोहराया और 2020 में राजमाता जी के पोते ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस की कलंकनाथ कमलनाथ सरकार गिराई। कलंकित थी, वो प्रदेश को लूट रही थी, भ्रष्टाचार कर रही थी, किसानों के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ धोखा किया, बुजुर्गों तक के दिव्यांगों को नहीं छोड़ा, कल्याणी माताओं के साथ धोखा किया और प्रदेश को लूट रहे थे। ऐसे में राजमाता जी के पोते ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी ने भी कांग्रेस को तोड़कर 22 विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।